और हमारे साथ अभी महेंद्र खां हैं जिन्होंने उपसभापति के सामने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और काफी अच्छे मत लिए थे, तो उनसे चर्चा करेंगे क्या कुछ माहौल को देखकर करना चाहेंगे। माहौल अनिल शर्मा के पक्ष में 100% एकदम 100% इधर है, फुल वोटिंग होगी, कोई शक नहीं इसमें। जो दो चार ये फिर है ना फालतू, इनके पास कुुछ नहीं है, ये अपना पोत दे रहे हैं। कह रहे हैं 4-5 हज़ार वोटों की कटत है, 1500 से 600-700 तक से आएंगे बस, इनसे ज़्यादा नहीं आएगा इनके पास। इनके पास कोई मुद्दा नहीं, ऐसे ही घूम रहे सिर्फ। मीटिंग आज की हुई है, क्या कुछ करना चाहो? आज जितना लोग आए हैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद, और सौ ज़्यादा वोटा कम से कम 25-30 हज़ार वोटा से अनिल ने जिता है, मेरे वही निवेदन है जनता हूँ सेना, धन्यवाद, जय हिंद। विशाल जनसभा देखकर कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए इन वार्डों में सदा से ही स्वर्गीय पंडित मोहनलाल जी शर्मा के पक्ष में इनका बहुत प्यार रहा है, मोहब्बत रही है, और स्वर्गीय विधायक जी भी इनको हमेशा अपने परिवार की तरह मानते थे। उन्होंने 36 कौमों में कोई फर्क नहीं किया, तो आज इनके मोहल्लों में तो फर्क करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आम आज जनसभा देख ऐसा देख कैसा नहीं लग रहा कि हमेशा से ज़्यादा भीड़ है? देखो ऐसा है, हमें ऐसा लगता है, बाकी इन मोहल्लों में सदैव इस तरह की भीड़ होती है। पहले भी पिछले उपचुनाव में थोड़ी कम थी, क्योंकि उपचुनाव एक अलग प्रकार से उपचुनाव होता है, उसमें थोड़ा उत्साह लोगों में कम होता है, और अब यह जो क्योंकि मुख्य चुनाव है और आम चुनाव है, इसलिए यहाँ पर भीड़ अधिक हुई और लोगों में उत्साह बहुत उत्साह थे, वो चाहते हैं कि कल ही वोट डाल दें, इस तरह के लोगों में उत्साह है। तो यह स्वर्गीय मोहनलाल जी शर्मा के प्रति इनका प्रेम और मोह है।